तेईस जुलाई 2024 को फाइन फुल फाइनेंशियल बजट 2024 पेश किया गया और उसके बाद कुछ उसमें अमेंडमेंट्स भी प्रपोज किए गए जो बाद में अमेंड भी हो गया और जब से ये बजट आया है तब से खासकर प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन में कई कन्फ्यूजन्स हो गए हैं कि कितना कैपिटल गेन होगा कितना टैक्स लगेगा इस पर सारी कन्फ्यूजन शुरू हो गए कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया है कुछ लोगों का कहना है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी भी कंटिन्यू करेगा कुछ लोगों का कहना है कि कैपिटल गेन पर 20 ट्वेंटी uh, परसेंट uh, का टैक्स लगेगा कुछ का कहना है कि ट्वेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का टैक्स लगेगा आज हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे और इसके चर्चा करने के साथ साथ एक और चर्चा करेंगे कि यदि आपने uh, आपका कैपिटल गेन रेजिजर हाउस प्रॉपर्टी में दस करोड़ तक है तो आप उस दस करोड़ के कैपिटल गेन पर एग्जामशंस कैसे पा सकते हैं यानी इस पर आप जीरो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं एस्ट्रॉन टैक्समिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है यदि इस वीडियो से आपका कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें इसको शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ कमेंट करें कमेंट में कुछ पॉजिटिव थिंग नेगेटिव थिंग्स जो भी हैं वो बताएं जिससे कि हमें ये पता लग सके कि जो मैं अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें जिससे हमें ये समझ में आए कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और उसके बगल में बेल आइकन है उसको ही पुश करें जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे मेरा नाम डी एम झा है इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैपिटल गेन कितने तरह का होता है और, और उस पर जो टैक्स लगेंगे वो टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कितने तरह के होते हैं कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि हम यहां रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं तो सारी बातें अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे यदि कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी और दो साल के अंदर उसको बेच दी तो जो भी फायदा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और दो वर्षों के बाद उसको बेची तो उस पर जो फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा अब सवाल है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो व्यवस्थाएं इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन ये कंफ्यूजिंग है जो आम लोगों में कंफ्यूजन का विषय है सबसे पहले ये देख लें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन की कहानी कुछ नहीं है ये सारी कहानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में एक उदाहरण लेता हूं मैं अट्ठारह उन्नीस में किसी ने 50 लाख की एक रेसेंसियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और 24-25 में यानी 23 जुलाई 2024 के बाद इसने 8 करोड़ में बेची अब यदि हम विदाउट इंडेक्सेशन की बातें करें उसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करें लॉन्ग टर्म चूंकि ये दो साल से सा अधिक होल्ड किए तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अब यदि विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन की बातें करें तो आपने 50 लाख में खरीदी थी 8 करोड़ में बेची यानी सात करोड़ पचास लाख आपका कैपिटल गेन हुआ यदि आप इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं लेते हैं तो और यदि आप इंडेक्सेशन की सुविधा लेते हैं तो जो पचास लाख अठारह उन्नीस में खरीदी थी उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ़ एक्एशन उदाहरण के तौर पर चौबीस पच्चीस में मान लें कि एक करोड़ दस लाख हो गया तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्एसन एक करोड़ दस लाख और बेचा हमने आठ करोड़ में इसका मतलब छः करोड़ नब्बे लाख का हमें कैपिटल गेन हुआ विथ इंडेक्सेशन छः करोड़ नब्बे लाख का गेन और विदाउट इंडेक्सेशन सात करोड़ पचास लाख का गेन चूंकि विदाउट इंडेक्सेशन में साढ़े बारह परसेंट का टैक्स है तो सात करोड़ पचास लाख का साढ़े बारह परसेंट टैक्स इट कम्स टू नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैक्स मतलब तिरानवे लाख पचहत्तर हज़ार के आसपास और छः करोड़ नब्बे लाख में चूंकि ये विथ uh, इंडेक्सेशन है जिसमें ट्वेंटी परसेंट का टैक्स लगता है तो ये टैक्स आता है एक करोड़ अड़तीस लाख के आसपास फ्रेंड्स ये जान लें ये जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्शन निकाला है हमने एक करोड़ दस लाख ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल फिगर है इसको एक्जैक्टली exactly जैसे कैसे कैलकुलेट किया था इसलिए इसलिए हमने इसमें कैलकुलेट नहीं किया कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है यदि इसको चाहते हैं देखने के लिए तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो अब ये देखें कि विदाउट इंडेक्सेशन में आपको लगता है नाइन्टी थ्री और विथ इंडेक्सेशन लगते हैं एक करोड़ अड़तीस लाख अब यह सुविधा टैक्स एस की है कि वो कौन सा प्रोविजन ऑप्ट करे विदाउट इंडेक्सेशन या विथ इंडेक्सेशन और इस एग्जाम्पल में जो एस होगा वो विदाउट इंडेक्सेशन को ही फॉलो करेगा एक्सेप्ट करेगा बिकॉज कि इसमें टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है। इसके साथ एक चीज और जान ले कि चूकी ये प्रॉपर्टी 18 19 यानी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई थी इसलिए इसमें सुविधा दी गई है कि दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट करें और जो भी कम हो उसको आप ले सकते हैं उसकी सुविधा ले सकते हैं लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदी है उस पर केवल आपको विदाउट इंडेक्सेशन का ही बेनिफिट मिलेगा इसका मतलब सीधा सीधा जितना गेन होगा आपका उसमें से साढ़े बारह परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा तो हमें लगता है ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि किस में इंडक्सेसन मिलेगा किस में नहीं मिलेगा किस में साढ़े बारह परसेंट होगा किसमें 20 परसेंट होगा शायद इससे स्पष्ट हो गया होगा अब अगली बात करते हैं जो इस वीडियो का मूल मुद्दा है कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर यदि दस करोड़ तक हमें कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आखिर उसको पूरा एग्जामेशन कैसे लें यानी इस पर टैक्स लाइबिलिटी जीरो कैसे कर सकते प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जाम्शंस के बारे में सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि यदि आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन 10 करोड़ तक होता है जिसमें कई सारे एग्जेम्स हैं वो एग्जाम्शन यदि एवेल करेंगे तो आपका टैक्स लाइबिलिटी जीरो होगा लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं पहला कंडीशन है कि यह सुविधा केवल इंडिविजुअल या एच ही ले सकता है इसका मतलब यदि किसी कंपनी ने या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उसका आठ नौ करोड़ का हुआ है कैपिटल गेन तो वो इस सुविधा का लाभ अंडर सेक्शन 54 नहीं उठा सकता है नंबर दो जो भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल ये ध्यान रखें कि ये सारी एग्जेम्पन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिलती है जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस कैपिटल गेन से आप एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं तभी ये एग्जेस मिलेगा अब जब नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करेंगे इसमें भी कुछ सब कंडीशंस हैं पहला कंडीशन है कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से क्रिएट हुआ उसके दो वर्षों के अंदर आपको दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा यानी दूसरा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको परचेस करना पड़ेगा दूसरा कंडीशन है कि जिस दिन आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके एक वर्ष पहले तक यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसका भी एग्जेपन इसमें मिल सकता है तीसरे सब कंडीशन इसमें एक और हैं यदि आप नए प्रॉपर्टी नए फ्लैट्स या नई बिल्डिंग खरीदना नहीं चाहते आप चाहते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट करें तो जिस दिन आपका ये क्रिएट हुआ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन उसके तीन वर्षों के अंदर आप यदि कोई नया हाउस कंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस पर भी ये एग्जेपन्स मिलेगा और ध्यान मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये एग्जेपन्स केवल आपको कैपिटल गेन पे लाना है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैपिटल गेन एक केस में सात करोड़ पचास लाख हुआ था दूसरे केस में छः करोड़ नब्बे लाख हुआ था तो इन्वेस्टमेंट जो करना है ये सात करोड़ पचास लाख या छः करोड़ नब्बे लाख ही करना है जबकि बेचा था आपने उसको आठ करोड़ में आठ करोड़ को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कैपिटल गेन के बाद जो पैसे बचते हैं आपके चाहे विदाउट इंडेक्सेशन या इंडेक्सेशन में वो आप कहीं भी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं अब इसमें एक समस्याएं आती हैं कि चूंकि कंडीशंस हैं कि जिस दिन क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके दो वर्षों के अंदर आप नए हाउस नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो जनाब इस बीच में उस पैसे के जो कैपिटल गेन हुआ उसको कहाँ रखा जाए इसके लिए साफ संदेश है साफ इंस्ट्रक्शंस है कि इस बीच जब तक आपने नए रेजिडेंशल और प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है या कंस्ट्रक्ट नहीं किया है तब तक वो कैपिटल गेन जो है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैपिटल गेन अकाउंट खोलें और उस वो रकम उस अकाउंट में रखें तभी आपको ये एग्जेस मिलेगा यदि आपने वो रकम सेविंग अकाउंट में रख दी ये कोई एग्जेंस नहीं मिलेगा और आपको अप्लीकेबल टैक्स लगेगा अब एक कन्फ्यूजेंस और है कि यदि मान लीजिए हमें नौ करोड़ का सात करोड़ का पाँच करोड़ का कैपिटल गेन हुआ या पचास लाख का ही हुआ कुछ भी हुआ और कंडीशंस हैं कि पिछले एक वर्ष तक यदि खरीदा हो या अगले दो वर्षों तक बनाए आप तो आपको एक्ज मिलेगा तो जनाब यदि एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदूं दो खरीदूं तीन खरीदूं कितना खरीदूं कितना ख़रीद सकता हूं मैं तो सेक्शन 54 में इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है यदि आपका कैपिटल गेन दो करोड़ रुपये तक है तो आपको सुविधा है कि उस दो करोड़ रुपये से आप दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लेकिन यह सुविधा आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगी इसका मतलब इस बार यदि आपका एक करोड़ नब्बे लाख के आसपास का कुछ कैपिटल गेन हुआ था और आपने पंचानवे पंचानवे लाख का दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली आपने और एग्जम्पन ले लिया आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन पाँच दस वर्षों के बाद यदि फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर होता है और आप चाहते हैं उससे फिर दो हाउस प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो जनाब उस पर एग्जामेशन नहीं मिलेगा दूसरा कन्फ्यूजन एक और है जो कंडीशंस कह लें उसको आप कि ये बातें तो मैंने कही कि जिसका दो करोड़ तक कैपिटल गेन है लेकिन हो सकता है कि कैपिटल गेन नौ करोड़ हो दस करोड़ हो पंद्रह करोड़ हो बीस करोड़ हो उसका क्या अप्लीकेबिलिटी है उसकी क्या प्रोविजंस है तो सेक्शन 54 में भी इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आपका कैपिटल गेन दो करोड़ से ऊपर है और दस करोड़ तक है तो आप केवल एक ये जो कैपिटल गेन बना है ये इन्वेस्टमेंट केवल एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 करोड़ हुआ है और आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 15 करोड़ में खरीदी है तो चूंकि आप इस सेक्शन में ये लिमिटेशन uh, है कि आपको दस करोड़ तक ही दस uh, करोड़ के कैपिटल गेन पर ही आपको एकदम मिलेंगे इसका मतलब पंद्रह करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था ग्यारह करोड़ का कैपिटल गेन था आपका तो दस करोड़ का एग्जाम्स मिलेगा और एक करोड़ पे या तो न्यू विदाउट इंडेक्सेशन या विथ इंडेक्सेशन जो भी आपको सुविधा हो उस, उस पर एक करोड़ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हमारा कैपिटल गेन दस करोड़ तक है तो निश्चित रूप से हम एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद के हम पूरे के पूरे दस कोड पर एग्जामेशन ले सकते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी जीरो कर सकते हैं थैंक यू